हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप लोगों OB27 अपडेट के बाद एक न्यू फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, उस फीमेल कैरेक्टर के एबिलिटी क्या होने वाले मैं इस वीडियो में हम लोग को पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। मतलब बहुत ही खास एबिलिटी है, आप लोग देख कर सोचोगे कि फिर से एक नया बहुत ही तगड़ा वाला कैरेक्टर आने वाला है। आप लोग हमारे गेम पर पहले क्रोनो देखने को मिला था, स्काइलर देखने को मिला था, आलोक था, लेकिन फ्रेंड्स अभी और एक कैरेक्टर आने वाला है जो बहुत ही खास होने वाला है। तो फुल उसका एबिलिटी में आप लोगों को दिखाने वाला हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री फायर का ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग अपकमिंग अपडेट्स आप लोग इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप लोग इसका नाम देख सकते हो, साइनी। तो बस इसका नाम साइनी रखा गया है। उसी के साथ आप लोग इसका एबिलिटी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये आप लोगों को एक्टिव स्किल कैरेक्टर होने वाला है। आप लोगों को 100 HP टेम्पोरारी मिलेगा, मतलब तुरंत मिलेगा। मैं आप लोग को टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। और उसी टाइम में 50% डैमेज इंक्रीज हो जाएगा ग्लूवाल्स के ऊपर और सील्स के ऊपर। और ये चलेगा 8 सेकेंड के लिए और इसका कूल डाउन टाइम है 150 सेकेंड लेवल 1 पे। तो लेवल 1 पे आप लोगों को 150 सेकेंड का कूलडाउन टाइम देखने को मिलेगा। 8 सेकेंड के लिए ए वाला एबिलिटी काम करेगा। और उसी के साथ आप लोगों में एक चीज बता देता हूं, ये 100 HP देगा टेम्पोरारी, मतलब कुछ टाइम के लिए देगा, फिर जब आपका जो ए एबिलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद वो जो एचपी 100 HP कम हो जाएगा, मतलब आप लोगों को पिछले का जो HP था वही HP हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं क्या चीज है। और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोग ग्लूवाल्स के ऊपर और सील्स के ऊपर, जैसे कि क्रोनो का सील्स होते हैं उसके ऊपर ज्यादा डैमेज देगा जैसे आप लोग इसका यूज करोगे। और मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बता देता हूं, इसका एबिलिटी एक्टिव स्किल कैरेक्टर, मतलब जब तक इसका एबिलिटी चलेगा सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही एक ग्लूवाल के ऊपर एंड सिल्स के ऊपर ज्यादा डैमेज देगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। एक्टिव स्किल कैरेक्टर को तो आप लोगों को पता ही है, जब तक इसकी स्किल चलेगा उसी वक्त आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लेवल 6 पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लेवल 6 पे भी आप लोगों को 100 HP टेम्पोरारी मिलेगा। उसी के साथ आप लोगों को 80% डैमेज इंक्रीज हो जाएगा ग्लूवाल्स के ऊपर एंड सील्स के ऊपर, मतलब बहुत ही ज्यादा है। और उसी के साथ इसका कूल डाउन टाइम हो जाएगा 100 सेकेंड, मतलब आप लोग सोच सकते हो अभी का जो हमारे एक्टिव स्किल कैरेक्टर है सारे के कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम बहुत ही ज्यादा कर दिया है। मतलब एक्टिव स्किल कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम ही मेन प्रॉब्लम हो चुके हैं अभी, क्योंकि कूल डाउन होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग को पता है 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट आप लोगों को लग जाएगा इसको फिर से यूज करने के लिए। लेकिन मैं तो ये कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही तेज है, बहुत ही खतरनाक है। आप लोग इसका एबिलिटी अगर ठीक से यूज करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका एबिलिटी टेस्ट करके इसका एबिलिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, इसका एबिलिटी को आप लोग अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, अभी तक ये इसका स्किल को नहीं यूज किया। जैसे ही इसका स्किल को यूज करेगा उसी वक्त उसको तुरंत 100 HP मिल गया। देखो कितना HP, 100 HP मिल चुका है, 100 HP जब मैंने 8 सेकेंड के लिए इसको 100 HP मिलेगा। फिर देखो ये डैमेज हो रहा है खुद ही, इसको कोई नहीं मार रहा है, क्यों हो रहा है, 100 HP फिर से लास्ट में चला जाएगा। क्योंकि आप लोग समझा क्या चीज को, फर्स्ट आप लोग को 100 HP मिल जाएगा, मिलने के बाद जैसे इसका एबिलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद जो 100 HP आपको मिला था वो 100 HP खुद ही माइनस हो जाएगा, मतलब जो आप लोगों पहले का जो HP था वो HP फिर से हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। देखो यहां पर जैसे इसकी को यूज किया 100 HP इसको मिल गया, इसके बाद जैसे इसका एबिलिटी ऑफ हो जाएगा उसी वक्त इसका 100 HP माइनस हो जाएगा, मतलब पहले का जो HP था वो फिर से हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो ग्लूवाल्स के ऊपर एंड सेल्स के ऊपर से ज्यादा डैमेज देता है। आप लोगों ने पहले बताया था लेवल 6 पर 80% ज्यादा तक डैमेज देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, मतलब आप लोग इसका स्किल को जब ऑन करोगे उसी वक्त ग्लूवाल्स के सील्स के ऊपर ज्यादा डैमेज देगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, 8 सेकंड के लिए ही ये देगा। और मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये जो कैरेक्टर है ना जो 100 HP देते हैं वो टेम्पोरारी देते हैं, मतलब आप लोगों को जो इसका एक्टिव स्किल खत्म होने के बाद फिर से वो माइनस भी हो जाएगा। मतलब आप लोग मान लो आपके पास सिर्फ 20 HP है, आप लोग जैसे इसका एबिलिटी को ऑन करोगे उसी वक्त आप लोगों को 120 HP हो जाएगा, मतलब 100 HP तुरंत मिल जाएगा। लेकिन एबिलिटी जैसे इसका खत्म हो जाएगा, मतलब इसका एक्टिव स्किल कैरेक्टर है 8 सेकंड के लिए रहेगा, उसी वक्त आप लोगों को जो HP माइनस होने लग जाएगा, मतलब 120 से फिर से माइनस होते होते 20 हो जाएगा, मतलब आप लोगों को टेम्पोरारी मिलेगा उसी वक्त के लिए मिलेगा, उसके बाद ही फिर से माइनस हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब साथ साथ आप लोगों को मेडिकेट भी करना पड़ेगा या जो एनिमी के साथ आप लोग फाइट कर रहे हैं उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो आपका HP माइनस होकर फिर से आप लोगों को जो 0 भी हो सकता है।
सकता है। तो मैं आप लोग एक चीज़ बता दिया, आप लोग सोच में पड़ जाओगे इसको लेकर, तो बस मैं आप लोग को पूरा पूरा क्लियर कर दे इसके बारे में। तो आप लोग इसका एबिलिटी कैसे लगा कॉमेंट करके जो बता देना। बहुत ही खास एबिलिटी है, एक ग्लूवाल्स के ऊपर एंड सिल्स के ऊपर भी ज़्यादा डैमेज देते हैं, 100 HP भी मिलते हैं, लेकिन वो टेम्पोरारी मिलता है, वो जो ऐसे एक्टिव स्किल ऑफ होने के बाद वो 100 HP माइनस भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये भी क्लियर कर दिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री फायर के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा।